Even ban is not a point that delayed me to status quo the proper plan. डेट मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं वे चाहते हैं कि पर्टिकुलर नंबर कहाँ पे इसकी नेगेटिव नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट है ये पता करना है इनको ठीक है नेगेटिव कहाँ पे है ये पता करना है इनको तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखाएंगे मैच का फंक्शन मैच इसमें मुझे देना है पूरा सिलेक्ट कर दिया हमने एज लेस देन जीरो इफ दैट इज लेस देन जीरो जीरो ठीक है किसके अंदर इसके अंदर कॉमन जीरो इस पे एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर और ये गवर हो गई नहीं यहाँ पे इसमें लगेगा लेकिन एफ अगर ए पूरा का पूरा नंबर पहले इसमें मिनिमम लगेगा कि मिनिमम एफ मैच लगेगा पूरा का पूरा नंबर अगर ए लेस देन जीरो है तो इसका कॉलम नंबर शो करें ठीक है इस पे जाएंगे एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर छः नंबर तो दो तीन चार पाँच छः सही है अब मैं यहाँ पे एड्रेस लगा लूँ या मैच लगा लूँ इंडेक्स बाकी तो कर ही सकते हैं ना एड्रेस मैंने बोल दिया कि रो वन है कॉलम सिक्स है या क्या एफ वन और फिर यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और इस एफ वन को डेट लेकर आ सकता हूँ अब डेट ए पर्टिकुलर डेट जो आपका है ये मतलब कि कौन सा वीक का है देखिए मंडे टू फ्राइडे वीक तो नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि हम इस पर वीक बता सकते हैं कि डेट के हिसाब से पाँच दिन है तो पहले वीक में आएगा उस तरीके से ठीक है कोई डाउट इसमें ले लीजिए ना ये फॉर्मूला मैं आपको चैट पे भेज देता हूँ देख लीजिए आप मेन तो हमारा मैच ही है ना ओके तो चलिए आज हम आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं
जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीवीए के पार्ट को। चलिए हम वीवीए के बारे में जानते हैं। वीवीए इसका फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अगर हम वीवीए को देखें तो वीवीए का फुल फॉर्म होता है हमारा विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको दिया गया, जिसमें एमएस हमारा जो एमएस ऑफिस का पार्ट है, उस एमएस ऑफिस के एमएस ऑफिस में कुछ ऐसे टूल्स को डेवलप करने के लिए दिया गया है। हुआ कि एक्सेल या फिर वर्ड या फिर पावर पॉइंट को ले, उसमें माने कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से जो भी यूज होने वाले फंक्शंस है, यूज होने वाले कमांड है, वो तो दिया ही दिया है। फिर भी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो उसने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का पार्ट डाल दिया कि जो जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज आती हो अपने लिए जो है ऑप्शंस फंक्शंस वगैरह कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए वीवीए का जो पार्ट है, वीवीए के जरिए हम क्या कर सकते हैं एक्सेल में, हम इस बात को जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हम मैक्रोज बनाते हैं। वीवीए के जरिए हम सबसे पहला मैक्रोज बनाते हैं, दूसरा फंक्शन होता है, और तीसरा हमारे पास वो होता है हमारा यूजर फॉर्म। तो तीन चीज़ें हम माइक्रो के जरिए बनाते हैं, सॉरी वीवीए के जरिए, मैक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म। अब इसका तीनों का यूज क्या है? मैक्रोज को हम ऑटो पायलट कह सकते हैं, माने वो काम जिस चीज़ को आप मैनुअली लिखते हो, उसी चीज़ को आपको बार बार मैनुअली लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो बनाते हैं। एक प्रोसेस है, एक इस तरह से एक प्रोसीजर है, जैसे कि प्लेन मान लीजिए, एक प्लेन है तो एक पायलट क्या करता है, दिल्ली टू मुंबई बार बार उड़ा के ले जाता है, फ्लाई करता है। तो इंजीनियर ने क्या किया, ऑटो पायलट बनाया। ऑटो पायलट भी प्लेन को फ्लाई करता है, तो क्या करता है कि जो पायलट जिस प्रोसीजर से प्लेन को फ्लाई करता है, उसी प्रोसीजर को प्रोग्राम करके दे दिया गया। उसी तरीके से आप जो अपने रिपोर्ट्स बनाते हो, अपनी रिपोर्ट्स बनाते हो, और जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से आप बनाते हो, वो तरीक़ों का प्रोग्राम कर दो, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उस रिपोर्ट को माइक्रो बाय डिफॉल्ट बनाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि मैं आप लोगों को मेल भेजता हूं, तो मेल भेजने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं जीमेल लॉगिन करता हूं, फिर आईडी डालता हूं, पासवर्ड डालता हूं, ठीक है, फिर आपकी मेल आईडी डालता हूं, कंपोज करता हूं, फिर आपकी मेल आईडी डालता हूं, फिर आपकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डालता हूँ, उसके अंदर जो हमारे लॉगिन डिटेल्स होती है उसको टाइप करता हूँ, देन सेंड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने हिसाब से एक मैक्रोज क्रिएट कर लिया, वीवीए मैक्रो के जरिए क्रिएट कर लिया है मेल के नाम का। अभी क्या होता है कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो हमें टाइप करना होता है डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स, और इसकी आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, और इस मैक्रो को रन कर देता हूँ। रन करते क्या होता है कि सारे मेल आईडी को इस पर्टिकुलर, आप देखो कि अगर मेरे जीमेल लॉगिन करोगे तो ये सारे मेल आईडी पे हमारे इस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली आपको मेल चला जाता है, मतलब कि बैकएंड में ऑटोमेटिकली जीमेल को लॉगिन करता है। ठीक है, लॉगिन डिटेल आपका ये सारे मेल आईडी डालता है, नेम डालता है, लॉगिन डिटेल डालता है और सेंड कर देता है। तो मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि मुझे बार बार, अब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के, जीमेल बार बार खोलना पड़ता है, फिर लॉगिंग होता है, फिर हम मेल कंपोज करते हैं, मेल आई डालते हैं, तो ये सारे प्रोसीजर को जो है ना वो फॉलो करता है। देखिए अभी मैंने कंट्रोल रन किया था ना, तो मेरे सेंड में देखिए आपको चला गया ना मेल। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने मैक्रो बना दिया। देखा चला गया ना, मैक्रो की कोडिंग क्या है मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे उसमें लॉगिन डिटेल है। तो हमारा इससे क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया।
ऊपर से 100% एक्यूरेसी होगी कि कोई बंदा छूटेगा नहीं, ऐसे मैनुअल करते किसी का मेल आई डी छूट सकता है। तो फंक्शन के जरिए, मैक्रो के जरिए उसको हम यू करते हैं। तो मैक्रो के जरिए ही हम अपने प्रोसीजर को तैयार करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है और क्विकली हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हर काम के लिए मैक्रो नहीं लगाते। मैक्रो का यूज हम दो चीजों में करते हैं, किन चीजों में? रूटीन वर्क और लेंथी वर्क, ठीक है? ऐसा काम जिसको बार बार किया जा सकता है, जिसको बार बार करना है आपको, हर बार आप आधा घंटा एक घंटा टाइम वेस्ट करते, उसके लिए करो। या फिर एक ही बार करना है लेकिन काफी लंबी प्रोसेस है, ऐसे काम करो। वैसा नहीं कि मुझे एक बार आपको मेल करना है जिसके लिए मैं प्रोग्रामिंग करने चलूँ। तो प्रोग्रामिंग तो आसान तो नहीं है, लंबी है, बड़ा है। कोई प्रोग्रामिंग आसान भी है, कोई लंबी भी है, क्या? तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप हर काम को मैक्रो के जरिए करोगे तो फिर आपका काम, जो काम एक घंटे का, वो 10 घंटे में होगा। तो मैक्रो यूज हम दो दो सिचुएशन में करते हैं। एक हमारे पास आता है रिपीट वर्क, जैसे कि मेल मेरा है, हर दिन मेल मुझे करना है, रिपीटेड वर्क है, हर दिन 5-7 मिनट मेरा खाता है तो मेरा नहीं खाएगा, आसान हो गया, हर दिन मैं टाइम बचा रहा हूँ। या लेंथी वर्क की बात करें तो लेंथी वर्क में आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने, मेरे पास डेटा कुछ आया इस तरह से, ऐसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, पूरे सीट पे भरा हुआ है। मुझे क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है अपर केस में, ठीक है? तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे एक रो इंसर्ट करनी, कॉलम इंसर्ट करने पड़ेगा, और हमारे पास अपर का फॉर्मूला होता है, मुझे अपर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ड्रैग करने पड़ेंगे, फिर कॉपी वैल्यू पेस्ट। इसी प्रोसीजर को मुझे आगे तक अपनाना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबी है। अब इसी काम के लिए हम क्या करेंगे, अब एक ही बार करना है मुझे, बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, लेकिन इतना लंबी है कि एक ही बार हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम विजुअल बेसिक पे गए, हमने एक मॉड्यूल इंसर्ट किया और यहाँ पे मैंने एक मैक्रो बनाई, एक कोडिंग क्या है अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप समझो यूज। तो मैंने एक मैक्रो बना दिया, अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, मैक्रो को रन कर देना है। एक तो हमारा मैन पावर बचा, हमें मेहनत बची, दूसरा जो काम लेंदी था वो घंटों में, सेकेंड में हो गया, हो गया। तो दो दो सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन आपके साथ एक्सप्लेन किया कि हम मैक्रो किस सिचुएशन में यूज करते हैं। पहली सिचुएशन होती है कि हमारा रिपीट वर्क, हम हर काम, जिस काम को हम रिपीट करते रहते हैं वो। दूसरी सिचुएशन होती है कि हमारा क्या हो, मतलब कि लेंथी वर्क हो, उसमें हम मैक्रो यूज करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस मतलब कि फार्मूला, जैसे आप लोग वी लुकअप, एज लुकअप, एरे वेरे जो लगाते हैं ना, वो फार्मूला, ऐसे फॉर्मूला क्रिएट कर। कुछ ऐसे काम के लिए आपके पास फॉर्मूले नहीं है तो उस चीज के लिए, जैसे अभी अभी इन्होंने बोला कि मुझे वीक, किस वीक से स्टार्ट हो रहा है वो चाहिए। अब एक्सेल में डेट तो आ गया एरे के माध्यम से, क्योंकि वीक नहीं आया तो उनके लिए हम फॉर्मूला बना लेंगे वीक के लिए, ठीक है? या फिर और भी चीजें, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना अभी। हमने एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सर्च किया और ये सारे के सारे जो है ना, वो सबको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके एक्सेल पे हमने पेस्ट कर दिया। ये जो
ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लिंक हैं, मुझे ये लिंक का क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे करेगा एडिट हाइपर लिंक, और फिर इसकी यूआरएल को कॉपी करके मुझे इस पर पेस्ट करना है, ऐसे करने पड़ेंगे। काफ़ी लेंदी वर्क है। अब इस काम को हम क्या करेंगे, इसी काम को यहाँ पे हम बनाते हैं फंक्शन, यू आर एल नाम पे फॉर्मूला बना दिया मैंने, एन एज ए रेंज इनपुट दे दिया, फिर मैंने बोला यू आर एल इक्वल टू एन डॉट हाइपर लिंक डॉट एड्रेस, बस सिंपल सा एक लाइन लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यू आर एल सेलेक्ट किया, आ गया। तो हमने यू आर एल नाम खुद के फॉर्मूले बना दिए। तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें कुछ काम का रिक्वायरमेंट पड़ा, उसकी कैलकुलेशन हमने खुद कर ली, ठीक है। फिर आउट इसमें ठीक है, तो आपने फंक्शन समझ लिए। बात आती है यूजर फॉर्म की। यूजर फॉर्म के जरिए हम जो है यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस। जैसे राइट क्लिक किया हमने, फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया, तो एक पॉपअप जो आता है ना, पेस्ट स्पेस में जो पॉपअप आता है, ऐसे पॉपअप आपको खुद के पॉपअप क्रिएट करने हैं। होता है क्या है, कैलकुलेटर में हम रिपोर्ट को अपने एक रिपोर्ट जो है अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं, रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है ये पता नहीं चलता। उसको कैसे अप्लाई करना है वो पता नहीं चलता। जैसे आपको पिवट टेबल मान लो ना, पिवट टेबल आप इंसर्ट करते हो, तो डायरेक्ट पिवट टेबल में ये जो पता आपको ये है समझा रखा है कि पहले यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करो, कहाँ करना है, एक पॉपअप बना ना, ऐसे खुद के पॉपअप बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए यूजर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। यहां इंसर्ट में जाओगे, यूजर फॉर्म होगा, अब यहाँ पे यूजर फॉर्म है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से जो चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, रिबन चाहिए, ये आपके बने बनाए, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये आपको इस तरह से बाहर दिखेगा। तो इंटरफेस के लिए यूज करते हैं, तीन चीज बनाते हैं, मैक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। समझ में आया? तो तीन चीज हम मैक्रो के जरिए क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया ना?
अब बात आती है टाइप्स, माइक्रो के टाइप्स, लेकिन इन सबों को पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो माइक्रोज, वीवीए माइक्रोज फंक्शन के बारे में हमें आपको इसके बारे में बताया। माइक्रोज के यूज करने से पहले कुछ प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब कहाँ से लाओगे? एक्सेल ऑप्शन में, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आपके पास होता है यहाँ, ये होता है शो डेवलपर टाइप, या फिर टूरान थ्री है तो उसको कस्टमाइजेबल में होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी जो है, इसकी सिक्योरिटी आपको, इसकी सिक्योरिटी जो है उस सिक्योरिटी को आपको यहां से अनेबल करना होगा, क्योंकि तो अगर सिक्योरिटी आप अनेबल नहीं करोगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप अपने इसकी यूज करोगे ना, मतलब कि अगर सिक्योरिटी आपकी अनेबल नहीं है तो क्या होगा, माइक्रो नहीं रन तो करेगा लेकिन यहाँ पे ऊपर बार बार पूछेगा अनेबल अनेबल, बार बार ऑप्शन आता है ना अनेबल आपका आएगा, वो बार बार आपको अनेबल आएगा, इसलिए माइक्रो सिक्योरिटी का अनेबल होना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी फाइल को आप सेव करोगे माइक्रो वाली फाइल को, तो हमेशा उस फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में आप सेव करेंगे। अगर फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में आप सेव नहीं करोगे तो आपका माइक्रो, जैसे ही आप उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया या कुछ और फंक्शन में, तो सेव करते ही आपका सारा का सारा माइक्रो लॉस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा माइक्रो लॉस्ट हो जाएगा, फिर से दोबारा आपको उसको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपके इसका सेव जब भी करोगे इसमें करोगे, तो आप डिफॉल्ट सेट कर लो, यहाँ एक्सेल सेव में जाके ऑप्शन में, सेव ऑप्शन में यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर लो, ताकि बार बार आपका जब भी सेव का पोजीशन आएगा तो उसी समय आएगा, ठीक है। क्लियर है सर? आपने वो मैक्रो सेटिंग्स कहाँ से ये किया? यहाँ यहाँ डेवलपर बार में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैक्रो पढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल, एक वेबसाइट है उस कुछ आर्टिकल्स उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये वेबसाइट का नाम है? excelvva.com। मेरा लोग इसने चला लिया, इन्हें लोगो, ये लोगो मेरा ही है, किसने चला लिया तो देखो, मैंने सर्च किया तो भाई लोगो कैसे आ रहे। ये चैप्टर आपके 33 चैप्टर है, इन 33 चैप्टर को आप इसमें पढ़ लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो इसे बेसिक कंसेप्ट है इसमें, तो थोड़ी सी बेसिक आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ क्या करना है, कौन सा एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको एक बार स्टडी कर लीजिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, कल हम आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग, मैक्रो उसकी एडिट करना और मैक्रो के टाइप्स के बारे में आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसकी स्टडी कर लो, सही रहेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था, सामने नहीं था। मैं बताऊंगा बेसिक चीज़ है, पढ़ लो, तो जब मैं बताऊंगा तो मोर क्लियर होगा सब चीज़ें ना आपको, मैं इसलिए बोला था पढ़ने के लिए। excel-vva.com।